राम राम भैया हरो, नमस्कार। क्या हाल है आपके? गजब को चुनाव आ गया भैया, भोपाल को। पूरी दुनिया में चर्चा है जी चुनाव की, वो चुनाव है भोपाल को। भोपाल के चुनाव को असर इस समय बिल्कुल ऐसा छाव है कि हमारे तो जो है ड्रेस से अंदाजा लगा लो ही दिया आपने कि हम तो बढ़िया धर्मनिरपेक्ष आदमी, लेकिन अब देखो भगवा गमछा डारे फिर रहे, भगवा गमछा इसे डाल रहे। काहे कि भैया राजनीति में अकेले जोई जोई मचे हैं भोपाल की। सही बता रहे, इतनी बढ़िया राजनीति चल रही कि को बड़ो हिंदू है, को हिंदू उनको संरक्षक है, को बड़ो राष्ट्रवादी है, बस यही पे चुनाव मचे हैं। हालत जा है, एक बहुत भीतर की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं, को ना दे। एक्सक्लूसिव जानकारी जा है कि भोपाल में गोबर की भारी किल्लत हो गई, और गोबर की किल्लत इसे हो गई काय के भोपाल में गौशाला में जो गैया गोबर देती उनको दस्त लगे फिर रहे। सही बता रहे, अब ये दस्त काय लग रहे गैंजन को, इको राजनीति से का लेने देने? वही तो बहुत बड़ा खुलासा है बुंदेली गोछार पे। बड़ा खुलासा जो है कि जो भी गैया हती उनको नेता लोग इतो चारों खिला रहे गौ प्रेमी बनवे के चक्कर में कि गैंजन को दस्त लगे लगे फिर रहे। और गैंजन को जब दस्त लग रहे तो गोबर ही नहीं बन पा रहा हूं। सही बता रहे, गजब को चुनाव है। पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं भोपाल के चुनाव। एक तरफ तो ऐसी महिला खड़ी हैं जो अपने आप को साध्वी कहती, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब उन पे आतंकवाद के आरोप हैं का भाई, साध्वी तो है ही है। और बाकी जो जो भी उनके ऊपर आरोप हैं उनकी भी भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये तो उनको फंसा हो, तो जो उनको पक्ष है। दिग्विजय सिंह साहब खड़े कांग्रेस पार्टी से, बड़े कद्दावर नेता हैं, वे कह रहे कि भैया हमने थोड़ी फंसा हो तो साध्वी को, साध्वी को तो शिवराज जी की पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार करा हो। तो वो दूसरी बात कि उनके समर्थन में तो कंप्यूटर बाबा ने बाबाओं को रोड शो करा दो। गजब, दो ही तरफ से बढ़िया धर्म की प्रभावना हो रही भैया भोपाल में, गजब की धर्म की प्रभावना। ऐसा लग रहा हो, सही बताएं कि हम तो 2 महीना रहते कुंभ में, उज्जैन में, महाकुंभ में। ऐसा लग रहा हो कि अर्ध कुंभ होगा भोपाल में। जहां देखो वहां केवल भजन कीर्तन भंडारे हो रहे, और जिते देखो होते बाबा लोग अपने प्रचार कर रहे। अब सब कहानी जा है कि भैया जो भोपाल को चुनाव हो काय के लाने रहो, जो समझ में नहीं आ रही कि जो भोपाल को चुनाव ई के लाने थोड़ी हो रहा हो, कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे जो आरोप हैं आतंकवाद के वे सही हैं कि गलत, जो निर्णय को करे कोर्ट करे कि भोपाल की जनता करे, और ना जो चुनाव ई के लाने हो रहा हो कि दिग्विजय सिंह बड़े हिंदू हैं कि नहीं है। अरे भैया आप हिंदू हो, आप पूजा कर रहे हो हिंदू हो, और आपके हिंदू और मुसलमान या हिंदू सिख ईसाई और आप कट और आपके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो गए से का फर्क पड़ने ही देश को। ये वो भोपाल की मुद्दा है, भोपाल की जनता। ऐसा लग रहा होगा बस सभी लोग घुनसार हो, 5 बजे से भजन कीर्तन शुरू हो जाओ, तो रात की आरती तक चल रहा कार्यक्रम। समझ में नहीं आ रहा कि भोपाल में चुनाव हो रहा हो कि कौन भजन कीर्तन की प्रतियोगिता हो रही। खूब भजन हो रहे, खूब बढ़िया, बाबा लोग इनके पक्ष के बाबा, उनके पक्ष के बाबा, बस बाबा ही बाबा हो रहा। ई के बीच में पूरा चुनाव प्रचार भी भाव ई की। अब हम आपको कुछ कहानी बताएं। चुनाव प्रचार ऐसा भाव कि भोपाल के विकास को बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं जो ई चुनाव में हते, और इन मुद्दन पे कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह, उनने विजन डॉक्यूमेंट भी पेश करे, उनने तमाम सारे मुद्दा ले आए। और चुनाव के 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर भी अपनो विजन डॉक्यूमेंट ले आई, लेकिन उनने पहले ही दिना जा कही कि हम तो आधो अधूरो विजन डॉक्यूमेंट है, पूरा अभी बन नहीं पाओ। अब वो चुनाव के बाद बने कि नहीं बने, वो अब चुनाव में उनकी जीत हार तय करे। लेकिन कुल मिलाकर भोपाल के विकास को लेकर ये सब चीजें हैं। कहानी जा है कि भोपाल में बेरोजगारी बड़ी हो रही, काहे के पूरे प्रदेश से बल्कि उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से लोग आ रहे भोपाल में, और उतने रोजगार के, बड़े रोजगार के संसाधन बन नहीं पा रहे, जो बड़ो मुद्दा है। तो भोपाल में, भोपाल में आसपास को जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उखो बेहतर करने की जरूरत थी, जो बड़ा मुद्दा है। तो भोपाल में, भोपाल को जो ताल तलैया को शहर है, जितने इतने तालाब हैं
के पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है तालों के शहर के झीलों के शहर के नाम से, वो भोपाल की बड़ी आबादी अब भी प्यासी है, जो मुद्दा है तो भोपाल में। और तमाम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले भोपाल में, ई के बाद भी आधे से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें खाली हैं और जो मोड़ी मोड़ा पढ़ के निकल रहे उनको नौकरी नहीं आ, जो मुद्दा है भोपाल में। लेकिन पूरा चुनाव धीरे धीरे करके ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश भई, लेकिन भोपाल की बहुत समझदार जनता ने ई कोशिश को अब तक, जब तक हम आपको जो पूरा वीडियो या जानकारी दे रहे, ध्रुवीकरण से इनकार कर दो। भोपाल की जनता विकास पे बात कर रही, नेताओं की बातों से ज्यादा भोपाल की जनता अपने सब्र को पूरी तरीके से बना के बैठी है कि हम कौनू वर्ग लाने की बात में नहीं आए, प्रत्याशी कौनू हुए, पार्टी कौनू हुए, प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार कौनू हुए, हम कम से कम भोपाल शहर में शांति सुख और विकास की बातें करें। सो भैया बहुत बहुत प्रणाम भोपाल की जनता को, और हम भी चूंकि अब बहुत लंबे समय से रह रहे सो भोपाली तो हो गए, कहो खां भोपाल की जनता में एक बड़ा फेमस शब्द है और खां कहा ले, उस टाइप से अपन भी भोपाली हो गए। लेकिन बुंदेलखंडी भी आया भोपाल में बहुत बड़ी संख्या में, बुंदेलखंड के लोग रथ हैं। सो भैया सब जनन से अपील है कि वोट जरूर डालियो, बिल्कुल पूरे खानदान भर के हर हाल में वोट डालियो, इस चीज को ध्यान रखियो। अब समीकरणों की बात करें तो समीकरणों की स्थिति जाए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सीधे तौर पे मोदी जी के नाम को सहारा है, जो पूरे देश के भोपाल प्रत्याशी इनको है। दूसरो भोपाल की भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, लंबे समय से थे भाजपा को कब्जा रहो, लगातार भाजपा के सांसद हैं, यही वजह से उम्मीद उनको जा लग रही कि हम आराम से मोदी जी के नाम के सहारे और भोपाल की भाजपा की सीट के सहारे बड़ी अनैया पार हो जाए और संसद भवन में पहुंच जाए। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह है, उनको शुरू में तो जाकर जा रही थी कि दिग्विजय सिंह को फंसा दो, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने फंसा दो, तो भैया भोपाल तो हारी भाई सीट है, इतने कैसे तुम जीत पाओ। लेकिन दिग्विजय सिंह ने बड़ी रणनीति से चुनाव लड़े और अब रणनीति जय स्थिति पहुंच गई कि कम से कम भाजपा के लोग भी बात को मान रहे कि चुनाव तगड़ो है, हार जीत अलग विषय है लेकिन चुनाव बहुत तगड़ी स्थिति में फंस गए। और एक ही बड़ी बात जाए कि दिग्विजय सिंह ने पूरी रणनीति से काम करे, एक एक लोगों से संबंध स्थापित करे व्यक्तिगत तौर पे, और यही वजह से, और चूंकि प्रत्याशी चयन में भी कांग्रेस पार्टी आगे हो गई थी, बहुत पहले कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दो, तो जबकि भाजपा बहुत बाद में प्रत्याशी घोषित कर पाई, इस वजह से भाजपा के पास अपनो बड़ो वोट बैंक है जी में सेंध लगा वो भी आसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को समय ज्यादा मिले, उन्होंने अपनी रणनीति से कम इस स्थिति में चुनाव को ले आया कि चुनाव रोचक होगा। अब जीत हाल तो भैया भोपाल की जनता तय करे, बहुत मजेदार जनता है भोपाल की, सही बता रहे आपको, कौन सो प्रत्याशी जीत जे हार जे उनको पता ही चलने के का होगा, बस जा मान लो कि लोग अपने मन की बात दबाए बैठे, अब सबकी सुन भी रहे, सबकी भैया देख भी रहे, खूब टीवी में समाचार देख रहे, बुंदेली बौछार भी देख रहे, अखबार भी पढ़ रहे, जी को इच्छा हो ये उनको भी वोट डाले। तो आप सब जन से निवेदन है कि भैया वोट जरूर डालियो और भोपाल के लाने बढ़िया शांति प्रिय शहर के तौर पे भोपाल रवे, और हम सब जैसे बुंदेलखंड के जो छोटे इलाकन से लोग आए उनको ही शहर ने बहुत मान सम्मान दो, बहुत प्यार दो। तो हमारी भी दिली इच्छा है, दिल से जुड़ाव जो है कि शहर में शांति रहे, बढ़िया तरीके से को जीते, और अब तक शांति बनी है जब से हम आए, जब से तो भोपाल शहर में हम को अशांति देख नहीं रहे। तो बढ़िया सब लोग मिल के वोट डालो, अच्छे प्रत्याशी को तो जी की इच्छा हो चुनो, बस आपस में बैर ना बांधो और कोनो धर्म जाति सब दीवारें तोड़ के आप अपने मन की सुनो, जी को इच्छा हो ऊखो वोट दो। नमस्कार। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की
पूरी जानकारी समाचार पाएं।